आप बताइए। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सोमा सिंह सोनू में। और आज हम ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट वीडियो है हमारे एक्सपीरियंस चर्चा करने और चर्चा करने के ऊपर। एक लोग ऐसा भी कह रहे थे कि एक ही टॉपिक पे कितनी बार वीडियो, पता नहीं आप बोर क्यों हो जा रहे हो, मत देखो ना वीडियो। बात वो नहीं है कि आप बोर हो जा रहे हैं, बात है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हम, उसमें आपका कमेंट नहीं आया होगा, बट चार लोग का कमेंट आया था जिसका हमें रिप्लाई देना था। बात था कि हमने कुछ यूट्यूबर के बारे में बात किया था और कुछ यूट्यूबर के बारे में बात नहीं किया था, तो उनको ये भी जानना था कि जिनके बारे में नहीं बात किया था उन्हीं के बारे में लोग पूछ रहे थे कि आपने इनसे बात किया, अगर किया तो क्यों किया, नहीं किया सब क्यों नहीं किया, तो वो सब चीज बताना जरूरी। जल्दी जल्दी से कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। बाकी हमने वहाँ का एक्सपीरियंस, अंकुश सक्सेना के बेटे के बर्थडे में गए थे, वहाँ पे सारे यूट्यूबर से मिले, तो उसके ऊपर जो भी एक्सपीरियंस था हमारा, कौन से यूट्यूबर के साथ कैसा है, वो सब वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हो तो पीछे का वीडियो चेक कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपके कमेंट के रिप्लाई को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट से शुरू करो। सबसे पहला कोई नहीं, वो तो बाद में पढ़ेंगे। अच्छा। जाओ ना इसमें देखो, YT स्टूडेंट डायरेक्ट जाओ ना, लाइन बाई लाइन देखते हैं। चलो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं आपके कमेंट को। सबसे पहले हरी सिंह है, सचिन भैया बेस्ट है, अंकुश भी बेस्ट है, सच में बेस्ट है। पिछले वीडियो में हम लोग ये इसके बारे में बात कर चुके हैं। कौन यूजर है यार आप, गंवार के साथ क्यों है, ये आपका मन, ये आप डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम गंवार हैं या मेरे साथ वाले गंवार है, बिल्कुल भी नहीं। और आपको ऐसा लगता है तो क्या नहीं कह रही कर सकते आपको। एक स्वाति मिश्रा करके है, स्वीटी मिश्रा, हमने एक पोस्ट डाला था जिसमें मेरा फोटो था सचिन भाई के साथ और मेरा ही फोटो था। नहीं ये वाला दूसरा पोस्ट है, ये हम सुबह, वो योर फेवरेट वाला है ना, ये सुबह हम डाले थे, एक अंकुश भाई के साथ था एक सचिन भाई। अच्छा, तो हमने दो पोस्ट डाला था, एक अंकुश भाई के साथ और एक सचिन भाई के साथ, और एक और पोस्ट डाला था सचिन भाई के साथ और एक शाश्वत भाई के साथ। तो उसमें बहुत सारा कमेंट सिर्फ सचिन भाई सचिन भाई सचिन भाई करके आ रहा है। चलिए, और कुछ लोग हैं जो शाश्वत भाई को भी और अंकुश भाई को भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। एटलीस्ट हम जिनके साथ हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो क्या ही चाहिए फिर। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो अनुपम कुमारी है, वाव अनुपम कुमारी, वाव क्या बात है भाई जी, सचिन भाई जी कहाँ थे जो आप दोनों एक साथ मिले, अभी कहाँ है आप लोग। हम लोग गए थे अंकुश सक्सेना के बेटे के बर्थडे पार्टी में, वहाँ हम लोग मिले और अभी हम लोग वापस आ चुके हैं बिहार में। भाभी आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से ली। थैंक यू, वो ऑफलाइन मार्केट से लिया हुआ है। और हमने एक वीडियो बनाया था कि किसी कोई दो यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको देख के हमारा नीचे से लेकर ऊपर तक झलक जाता है, फिर आप लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं किसी किसी का नाम, तो मत करिए कमेंट, ऐसे कमेंट करना गलत बात है, कंट्रोवर्सी, फिर आप पता चलेगा कमेंट में ही कंट्रोवर्सी करवा दोगे, तो अच्छी बात नहीं। वो ठीक है, वो हमारा अपना है, जो भी है अंदर अंदर की बात है। रितु किचन एंड ब्लॉग्स, इनका कमेंट है, ये शायद काजल और मिथुन की बात कर रहे हैं, वो गोपालगंज से है छपरा के। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नाम तो एक लेके आपने गलती करी, नाम नहीं लेना चाहिए था। और तो और कि उनसे हमारी कभी भी बात नहीं, ना सामने से ना सोशल मीडिया से, कभी नहीं। हम लोग उधर भी गए फंक्शन में तो उनसे बात नहीं हुआ हमारा जी, साथ में उठना बैठना। एक और यूजर है, उनका नाम है, इंसान को धन से बड़ा नहीं होना चाहिए, दिल से बड़ा होना चाहिए। और अंकुश सक्सेना के बारे में आप कमेंट किए थे इस वीडियो के अंदर, तो अच्छा है, वो सच में दिल से बहुत बड़ा, धन से भी बहुत बड़े। ऐसा नहीं कि धन से बड़े नहीं होते तो इतना कुछ थोड़ी हो पाता उस दिन। यूट्यूबर रिया, वो बोलिए सचिन जी गलत को गलत सही को सही बोलते हैं, सबके ब्लॉग में इन्वॉल्व होते हैं, एजुकेटेड हैं, पोलाइट हैं, बट आजकल कॉन्ट्रोवर्सी में दिख रहे हैं। कॉन्ट्रोवर्सी में कोई भी खुद के मर्जी से तो नहीं जाना चाहता, इतना अब हम लोग को पता चला है, पहले नहीं पता था। वो क्या होता है कि एक चीज सिर से ऊपर जा रहा होता है तब इंसान को फिर जवाब देने के लिए उतरना पड़ता है, तो आई थिंक कि ये सिचुएशन रहा। वो उनका लाइफ है, वो क्यों कर रहे नहीं कर रहे, हाँ, जस्ट वो उनका मैटर, ये सब चीजें उनकी है। हाँ, और एक है निक्की राय, वो बोल रही है कामिनी दी को वीडियो में आपके देखे थे, मतलब हमारे वीडियो में कामिनी दी को देखी थी, हमने वीडियो बनाया था उनके साथ, ब्लॉग लिया था, उनके वीडियो में हम लोग को देखे थे। हाँ, तो वो भी तो हम लोग जिस दिन वीडियो शूट किए थे ब्लॉग्स बनाए थे वो भी ब्लॉग बनाई थी, तो उनके वीडियो में आपने हम लोग को देखा था, और क्या ही चाहिए। हम अच्छा, हमें इस एक वीडियो में पूछे भी थे ना कि कौन कौन है जो उनके वीडियो के थ्रू हमें देख रहे हैं। बोर मत हो तुम मत बोर हो तो।
नेक्स्ट है रूपा सैनी, द बेस्ट है सचिन भाई एंड मनीषा दी, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सचिन भाई का तो वाकई में हमने बता दिया आपको, बट मनीषा दी से हम लोग मिले नहीं है, बट अगर हस्बैंड इतना अच्छा है तो वाइफ भी अच्छी ही है। अब ये चीज हम करते तो आप कहते बात लमरा रही, वो खुद क्या कर रहे हैं आप। चलो हो गया। नेक्स्ट है स्मिता सिंह, आप रुद्र पूजा के बारे में बोल रहे हैं क्या भैया? आप किसी का नाम मत लीजिए, हम किसके बारे में बोल रहे हैं वो हम जानते हैं। ओ भाई भाई भाई, ये कमेंट देख लो क्या है क्या है? मतलब सचिन भाई ने खुद कमेंट किया है हमारे अपने चैनल पे, वो भी अपने मेन आईडी से, सचिन मनीषा वाले आईडी से। अरे यार भाभी सजराज वाला आईडी जो आप लोग देखते हैं, जो पॉपुलर उनका चैनल है, उस आईडी से उन्होंने हमें कमेंट किया है। अरे यार भाभी से तो मिलवाया ही नहीं, क्यों नहीं मिले तुम? हमारा आदत है ना एक छुछुंदर बंदी वाला कि नहीं किसी से नहीं बोलेंगे, जस्ट हाय हेलो करके उसके आगे हमारा बात ही नहीं निकलता है। तो उनका क्या था कि वो अकेले थे जस्ट, तो हम गए उनके पास बैठे बात किए ब्लॉग लिए, लेकिन ये उस टाइम में जस्ट पीछे पीछे थी, मतलब रूम में थी तो नहीं हो पाया। बट सचिन भाई बहुत 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 दिल से धन्यवाद कि आपने कमेंट किया हमारे आईडी पे जी। अभी तक तो हम सच बता रहे हैं, किसी ने देखा नहीं देखा नहीं पता, बट जिसने देखा उसने एटलीस्ट कमेंट किया, बहुत बड़ी बात है। वो भी मेन आईडी से अपने सचिन भैया ने मैसेज किया, कमेंट किया, बहुत बहुत अच्छा लगा। बाकी अगर कोई वीडियो देख रहे तो सचिन भाई तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। हाँ। हम बहुत जल्द उनसे मिलना चाहते हैं। चलो मॉम्स, क्या नाम इनका, मॉम्स कमाल की, हाँ इनका कहना, हेलो भैया आप जब भी मीटअप रखोगे मुझे जरूर बुलाना, मैं MP जबलपुर से हूँ, नेहा दी के ससुराल है। मैं समझ नहीं पाया, बट हम लोग का कहना था कि 100 के का हम लोग पार्टी रखेंगे। जो नेहा आशीष तिवारी है अच्छा। उनका ससुराल है जबलपुर, तो वो वहीं से बिलोंग करती हैं। अच्छा ऐसा है। तो हम लोग मीटअप करने वाले हैं 100K पे। आप लोग इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है आने के लिए। हाँ, नहीं तो पता चले उस समय हम लोग का लगे कि इसको इन्वाइट करना है, और बाद में पता चले वो तो आ नहीं रहे, फिर मीटअप जाके आपस में करना पड़े। ठीक है। साक्षी सिंह बोल रही है, भैया रुद्र भैया और पूजा दी अच्छी है, लेकिन उनका बेबी का फीवर हुआ था, वो लोग परेशान थे। रुद्र भैया ध्रुव का एंट्री में नहीं थे, बाबू का दवा के लिए गए हुए थे, वो लोग बहुत अच्छे। हम कहाँ बोले थे, हम लोग का बोले खराब है यार, प्लीज ये सब चीज अब बंद करिए लोग। हम उनके बारे में नहीं बात कर रहे थे, हमारा तो उनसे जस्ट थोड़ा बहुत अगर आई कॉन्टेक्ट हुआ है तो अच्छा से ही हुआ था। नहीं भी हुआ है तो इतना खराब भी तो नहीं ना है। अच्छा कोई होता है, अच्छा नहीं होता है, बट वो खराब भी तो नहीं होता है। और हम लोग को सच में नहीं पता था उस टाइम में कि उनका बेबी का फीवर था, नहीं तो अब साथ है हम लोग की देखेंगे, वही बात है। बट ठीक है, आपका पॉइंट अच्छा था। फिर से अभी आते हैं किरण कुमारी के, वीडियो बहुत अच्छा लगा भैया, बोलो बोलो। थैंक यू। मॉम्स मल्लिका, आप बिहार से हो, मैं MP से हूँ। अच्छा MP से भी देखा जा रहा है, वही शायद। अच्छा ब्लॉग्स फॉर यू बोल रही है, क्लियर नाम लीजिए ना तब सही रहेगा। नहीं ले सकते क्लियर नाम लीजिए ना कि कंट्रोवर्सी शुरू करिए ना। वो नहीं करना है। ब्लॉग्स फॉर यू बोल रही है, सृष्टि दी के तारीफ करें, सो आज मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू। सृष्टि जी तारीफ के लायक थी इसलिए हमने किया। और इसके बाद आते हैं हरी सिंह के ऊपर, अरमान मल्लिक को बॉयकट करो और उसे गाँव में रहने वाली शिवानी पसंद नहीं, इन सब चीजों से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। सुमन देवी, आप क्या काम करते हो दी, और भैया अंकुश सक्सेना के बेटे के बर्थडे में क्या किया था आपने? हमने उनका जितना भी वीडियो फोटो आपने देखा होगा, उनके चैनल या उनके इंस्टाग्राम आईडी पे या कहीं भी, उस फंक्शन का जितना फोटो था हम लोगों ने क्लिक किया था, जितना वीडियो था हम लोगों ने शूट किया था और एडिट भी किया था और थंबनेल भी। और अभी हमारे चैनल पे आ गई है कामनी दीदी के, क्या बोलते हैं उनका, कामनी दीदी का फेवरेट ऑडियंस, वो बोल रहे हैं कि कामनी दीदी ने नज़रअंदाज नहीं किया ना, बस और सब की छोड़ दो। जी सही बात है, उन्होंने तो नज़रअंदाज नहीं किया। एक और है अवानी करके, वो बोल रही है सचिन भैया वो बहुत सपोर्टिव इंसान लगा, हमें भी लगा। उसके बाद आते हैं सीमा, सचिन भैया बहुत अच्छे हैं दिल की, ऐसे कोई यूट्यूबर आज के समय में, मतलब मेन है कि वो हमें मोटिवेट करते हैं उसके ऊपर, सचिन भैया बेस्ट है। चलो तो अभी इस ब्लॉग को और ज़्यादा खींचने से हमें नहीं लग रहा है कि कोई फायदा है, बट एक और है लास्ट, प्रेरणा सिंह, प्रेरणा सिंह यूपी लखनऊ से है ना,
पटना से है, कल ही तो फोन आया और रहती था, है यूपी लखनऊ में भी, तो वो आपको पता होगा ना। हाँ। और अंकुश सक्सेना के बर्थडे में जो हम लोग जाके जितना भी वीडियो फोटो शूट किए थे उसको देख के उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था कि हमारा भाई का शादी है नवंबर में, नवंबर या दिसंबर में है कुछ एंगेजमेंट, हल्दी मेहंदी बारात रिसेप्शन सब कुछ, तो उसमें उन्होंने हमें बुक करने के लिए कॉल किया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चलो मैं भी कि उनका काम हम लोग करें। और आगे कुछ है? हाँ, कार्तिकेय सिंह क्या कहना है, आकांक्षा जी सच में बहुत अच्छी है, उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है जी सच में। हैं, बहुत अभी अच्छी हम हैं। पार्टी से आने के बाद कुछ यूट्यूबर को मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पे, उसमें से वो अकांत भी ऐसा नहीं था अपने काम के लिए, जस्ट उनका कुछ फोटो था हमारे हमारे पास, तो हम पास, लोग सोचे कि उनको सेंड कर देते हैं बस इस वजह से, हाँ, और उन्होंने रिप्लाई किया था, बस बहुत अच्छा काफी लगा। है इतना। बस अब आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग हमारा अपना लाइफ से रिलेटेड रहेगा, तो मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में।